वन में जो गलतियां हुई उसको न दोहराया जाए और टीआरई टू में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए। गड़बड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची बीपीएससी ही जारी करे। एक स्वच्छ ईमानदार शिक्षा नीति की कमी रही है, चाहे सरकार में कोई भी रहे हो। इनको नौकरी मिली, पढ़ा रहे थे स्कूलों में, इतने दिन से ये योग्य थे, आज अयोग्य हो गए। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जल्द ही टीआरई टू का रिजल्ट आने वाला है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। दिलीप, आप फिर से पटना पहुंचे हैं, रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सबसे पहले हम बीपीएससी और खासकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से हम मांग करते हैं कि टीआरई वन में जो गलतियां हुई उसको न दोहराया जाए और टीआरई टू में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए। और इसके लिए सबसे पहले 11, 12 का काउंसलिंग हो और सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो। पिछली बार सबसे ज्यादा गड़बड़ियां कहां हुई? गड़बड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची बीपीएससी ही जारी करे और औपबंधिक रिजल्ट जारी न करे जैसा कि टीआरई वन में हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो और जिनका भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं हो डॉक्यूमेंट उनको बाहर किया जाए। और उसके बाद काउंसलिंग में सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुला जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो और 11, 12 का पहले हो, उसके बाद 9, 10 का काउंसलिंग हो, उसके बाद नीचे के वर्गों पर। और जब रिजल्ट जारी हो तो औपबंधिक रिजल्ट नहीं बल्कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हो जिसको मेरिट लिस्ट कहा जाता है, और उसमें पहले 11, 12 का जारी हो, उसमें जिनका सिलेक्शन हो जाए तो नीचे के वर्गों में उनका रिजल्ट न हो, फिर 9, 10 का हो, फिर उसके बाद नीचे, ताकि सीटें खाली न रहे। टीआरई वन में जो गलतियां हुई कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग बहाल हो गए, बाद में उसको बाहर किया गया। ऐसा मामला भी आया था जो अयोग्य थे उनको भी लेटर मिल गया था ज्वाइनिंग लेटर। बिल्कुल बिल्कुल मिल गया था, चूंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, शिक्षा विभाग ने कराया वेरिफिकेशन बाद में और उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। तो इस बार औपबंधिक नियुक्ति पत्र न दिया जाए बल्कि पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कर लिया जाए, और जैसे सिविल सेवा या दरोगा परीक्षा या और में जो जैसे वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होता है मेरिट लिस्ट, वो जारी किया जाए और उसके बाद डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग को भेजा जाए, अपना वो ज्वाइनिंग करवाएंगे। दिलीप, शिक्षकों की बात कर रहे हैं, हालिया में पटना हाई कोर्ट का एक जो फैसला है आपने सुना होगा, जिसमें करीब जो 1-5 में जो नियोजित बीएड वाले शिक्षक थे उन लोगों को अयोग्य बताया गया है, तो वे लोग उन लोगों के लिए भी आप कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ मांग करेंगे? देखिए, हमारे देश में बड़े दुख की बात है ना कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक स्वच्छ ईमानदार शिक्षा नीति की कमी रही है, चाहे सरकार में कोई भी रहे हो कमी रही है इस बार। और जब भी शिक्षा नीति बनाई जाती है, चाहे जो भी सरकार में रहे हो, तो अपने फायदे को देखकर बनाया जाता है। जब बीएड वाले 1-5 में योग्य नहीं है, इनकी नियुक्ति कैसे हो गई, क्यों हुई नियुक्ति, उस समय क्यों दिया गया कि 1-5 में आप बीएड वाले आ जा सकते हैं ब्रिज कोर्स करवा कर, तो आज वो लोग क्यों गायब है, चाहे वो एनसीटीई हो, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। आखिर ये जो शिक्षक है 22,000, ये अपने से जाके नियुक्ति पत्र नहीं लिए थे बल्कि बिहार सरकार ने विज्ञापन निकाला, उसमें जो शर्ती थी उसके अनुसार इन्होंने फॉर्म भरा, इनको नौकरी मिली, पढ़ा रहे थे स्कूलों में, इतने दिन से ये योग्य थे, आज अयोग्य हो गए। तो ये तो सोचना चाहिए, जो जजमेंट दिया गया तो कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि अगर ये शिक्षक दोषी है तो जो अधिकारी ने नियमावली बनाया, जिस अधिकारी ने इनको नियुक्ति दिया, जिस सरकार ने नियुक्ति दिया, जिस सरकार ने या एनसीटीई ने ये गाइडलाइन जारी किया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और जब भी कोई डिसीजन आता है तो उसके बाद लागू होना चाहिए। शिक्षक को लेकर कुछ मांग करेंगे सरकार से? बिहार बिल्कुल हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर ये मामला कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा डिसीजन आता है कि शिक्षकों को बाहर किया जाए, मान लेते हैं कि अगर ऐसा आता है, जैसे हम दुआ करेंगे कि ऐसा ना आए, लेकिन ऐसा आता है चाहे वो NIOS का हो या फिर बीएड का हो, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये डिसीजन फाइनली आ जाता है कि नहीं इनको आप शिक्षक नहीं बना सकते, जो ज्वाइन किए उनको बाहर कीजिए, तो सरकार के पास इसके बाद भी रास्ता है समायोजन का कि इनको शिक्षक ठीक है नहीं बन सकते, क्लर्कियल जॉब दे दीजिए, दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजन कीजिए। इससे पहले भी हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा विभाग में देखिए, जब वो विभाग बंद कर दिया गया तो दूसरे विभाग में नौकरी दी गई, क्योंकि आप ही ने नियुक्ति दिया है ना, तो इसलिए आपको। चलिए, तो छात्र नेता दिलीप का कहना है कि अगर उन शिक्षकों की अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हार होती है तो उन्हें दूसरे विभाग में नौकरी जो है वो दे दिया जाए ताकि वे लोग बेरोजगार न रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।